जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली 7 सीटों पर सफाचट हो गई, तो अब वहीं दूसरी तरफ दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर भी सामने आई है। दरअसल दिल्ली में पानी के बढ़ते संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश को दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। अदालत ने हरियाणा से कहा है कि वो दिल्ली में पानी पहुंचाने की राह में रोड़े ना बने, बल्कि पानी पहुंचाने में पूरा सहयोग करे। हरियाणा सरकार की दलीलें खारिज करते हुए अदालत ने दिल्ली में बरोकटोक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पानी की बर्बादी ना हो, अब इस बात का भी ध्यान रखा जाए। साथ ही कोर्ट ने सोमवार तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली में पानी के बढ़ते संकट को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और जस्टिस प्रशांत मिश्रा और केवी विश्वनाथम की बेंच ने सुनवाई की है। इस दौरान दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि अपर रिवर बोर्ड की राज्यों के साथ मीटिंग हुई, हिमाचल पानी देने को तैयार है लेकिन हरियाणा आपत्ति जता रहा है। हरियाणा के विरोध वाले सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटवार किया और पूछा। जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने कहा कि पानी हिमाचल से आ रहा है, हरियाणा से नहीं। वहीं जस्टिस विश्वनाथम ने कहा कि ये रास्ते के अधिकार का मामला है, अगर हम इतने गंभीर मुद्दे पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो क्या होगा। हिमाचल अब पानी दे रहा है तो हरियाणा इसे पास होने दे, अगर जरूरत पड़ी तो अदालत मुख्य सचिव को भी आदेश देगी। दिल्ली की तरफ से वकील सिंघवी ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा कि ब्यास नदी में पानी हरियाणा की नहरों के जरिए भेजा जा सकता है, हिमाचल इसके लिए तैयार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से सवाल किया कि जब हिमाचल प्रदेश ने सहमति दे दी है तो आप रास्ता क्यों नहीं दे सकते। इस पर हरियाणा के वकील ने भी जवाब दिया, ये प्रस्ताव संभव नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे ये संभव हो सके। वहीं फिर इस तूतू मैमे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि पानी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दरअसल दिल्ली सरकार बोली कि हिमाचल से उदारता दिखाते हुए पानी देने को कहा है लेकिन हरियाणा ने मना कर दिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये कौन मॉनिटर करेगा, हिमाचल प्रदेश ने अतिरिक्त पानी छोड़ा है या नहीं। इस पर हरियाणा ने कहा कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे पता चले कि हिमाचल ने कितना पानी छोड़ा है। फिर जस्टिस मिश्रा ने भी कहा, कल ये कहते हुए राजनीति नहीं होनी चाहिए कि हिमाचल पानी दे रहा है लेकिन हरियाणा नहीं छोड़ रहा है। इस पर दिल्ली सरकार के वकील सिंघवी ने भी कहा कि हमने सिर्फ एक महीने का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विश्वनाथम ने पलटवार किया, उन्होंने कहा ये अब बोर्ड की सिफारिश है, हम याचिका का संज्ञान लेकर नहीं बल्कि उस पर आदेश पारित कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अब प्यासी दिल्ली को पानी पहुंचाने के लिए तैयार हो गया है।